चाइनीज मीटर, हम लोगों पे दया करो, जो 700 रुपया बिल आता था आज 2200 बिल आ रहा है। श्रीकांत शर्मा जी जो कि उत्तर प्रदेश के बिजली के भगवान हैं, कृपया हम गरीबों की ऊपर दया करें और बिजली के जो बिल के मीटर उल्टे सीधे आ रहे हैं उसको खत्म करें। ये हम लोगों का उत्पीड़न है, गरीबों का उत्पीड़न है, इसके इसको संज्ञान में लेकर बिजली के, ये बहुत बड़ा हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कृपया इसको संज्ञान में लें और इस चाइनीज मीटर को खत्म किया जाए, ताकि गरीब अपनी रोजी रोटी के अलावा बिजली का बिल जो मिनिमम आवे उसको भर सके। थाली थटा भाई, देखिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने उजागर हुआ है। पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, लगभग लगा भी दिया गया है। चाइनीज सामानों का यह बहिष्कार करते हैं, मगर स्मार्ट मीटर चाइना से लेकर के पूरे प्रदेश में लगाने का काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो पुराने मीटर थे उनको हटा करके चाइनीज मीटर जो लगाने का काम किया जा रहा है, वो चाइनीज मीटर अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। बिजली कब चाइनीज मीटर में आती है और कब काट दी जाती है ये किसी को पता नहीं है। जिन घरेलू मीटरों का बिल आया करता था पुराने मीटर के जरिए 800 से 700 रुपये का, आज वही बिल 2 से 2500 रुपये का स्मार्ट मीटर का आ रहा है। तो जनता में अचरज इस बात को लेकर कि सरकार आखिर स्मार्ट मीटर पर इतना जोर क्यों दे रही है। तो हम लोगों ने आज बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा जी और स्मार्ट मीटर की आरती उतार करके पूजा पाठ किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और स्मार्ट मीटर भगवान भरोसे चल रहा है, जिसको पूजा पाठ की ज़रूरत है।